एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता'स लाइफस्टाइल एंड व्लॉग। और ये छोटा सा मिनी व्लॉग है जिसमें मैं जा रही हूँ रांची फ्रॉम बैंगलोर। सो मैंने सोचा ये ट्रैवल व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और ये अभी मैं पहुँची हूँ और अभी मेरा मैं क्यू में खड़ी हूँ। अभी मेरी एंट्री होगी जहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास दिखाना था और अपना पहचान पत्र दिखाना था, परिचय पत्र। सो, वो सब प्रोसेस हो गया, मेरा बोर्डिंग पास मिल गया था मुझे और सारा सिक्योरिटी चेकिंग हो गया था। सो, उसके बाद मैं आई थी और मेरे पास 1 आवर था, तो मैं स्टारबक्स से कॉफ़ी मैंने लिया। और ये कॉफ़ी जो है वो आई थिंक 450 का पड़ा था मुझे। सो, ये लेने के बाद मैं टाइम पास कर रही थी, क्योंकि ये जो ट्रैवल था ये आई थिंक कि फ़र्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। सो, मेरे साथ अर्जुन नहीं है, अदरवाइज़ मैं पीछे एक दो बारी ट्रैवल की हूँ जितने अर्जुन के साथ ट्रैवल की हूँ। तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए और अपनी ये जो मेरी जर्नी है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया। और अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। सो, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं था और कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा था। सो, ये सब कुछ को मिला के मैं अपना बैग पैक की और मैं चल पड़ी हूँ एक नई जर्नी के लिए। मैं एक्चुअली रांची इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे एक कोर्स करना है जो मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से था। लेकिन कुछ अर्जुन बहुत छोटा था और उसको छोड़ के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो, शायद ऊपर वाले का भी इशारा था और बस होता चला गया। तो आई होप कि ये जर्नी बहुत अच्छी रहे और जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ वो सक्सेसफुल हुई, मैं अचीव कर पाऊँ। सो, आप सबकी ब्लेसिंग बहुत बहुत ज़रूरत है और जितने लोग ब्लेसिंग करेंगे तो ऊपर वाला भी सुनता है। सो, ये मैं फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ और ये अभी उड़ान भरने वाला है। सो, ये मैंने पूरा ही कैप्चर किया था कि कैसे वो रनवे में दौड़ रहा है और आसमान पे आ गया। और मैं बात करते करते मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब ऐसे तो आप कई लोग कई बार फ्लाइट में बैठे हुए, बट जब से अर्जुन हुआ है तो मुझे विंडो सीट कम ही मिलता है क्योंकि वो विंडो सीट पे बैठता है। तो इस बार मैं बड़ी बेफिक्री और से अकेली ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे विंडो सीट ही सेलेक्ट किया था मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए। सो, जब मैं ऊपर गई तो ऑफ़ कोर्स बादल ही बादल दिखता है। तो ऊपर जाके जब उस बादलों को मैंने देखा तो मुझे ना वो बादल थोड़े थोड़े समंदर से दिल लगते थे। और ये धीरे धीरे फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ मोड पे आ गई है और धीरे धीरे ये उड़ने लगेगी। सो, मैं ट्रैवल की थी इंडिगो से और इंडिगो के जितने भी क्रूज मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते, सपोर्टिव होते, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड करते हैं वो। और ये देखिए, ये ज़मीन छोड़ के हम आसमान में उड़ने लग गए हैं। मैं अभी रांची में 14-15 डेज रहने वाली हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ जो भी हो सके मैं छोटे मोटे वीडियोस ज़रूर बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। मैं रांची भी आपको दिखलाऊँगी, रांची कैसी जगह है और क्या है। सो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि धोनी जो है वो हमारे रांची से ही है। और मैंने इस बार बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खींचे ऐसे, जैसे कि मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैं अकेली थी तो मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो मैंने बहुत बहुत फ़ोटो खींचे और वीडियोस बनाए। और मैंने सबको ना बहुत बारीकी से देखा, सुकून से देखा, क्योंकि आफ्टर बच्चा, जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप उसकी सारी चीज़ें देखते हो, उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो, उसी में खो जाते हो, उसकी खुशी, उसकी हैप्पीनेस उसी में रहते हो।
लेकिन ये काफ़ी टाइम आई थिंक 10 साल के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मैं अपने आप को अपने साथ इंजॉय कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑफ कोर्स अर्जुन की याद आ रही थी और अभिजीत की और यहाँ मैं चिकन कटलेट इंजॉय कर रही हूँ और कॉफ़ी है। और जब मैं यहाँ रांची पहुँची हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो है चिकन अभी बंद है, लोग नहीं खा रहे फ्लू की वजह से। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पे। बैंगलोर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये नया चीज़ मुझे सुनने को यहाँ पे मिला है। तो जब तक अभी हम हैं यहाँ तो आई थिंक चिकन तो हम खा ही नहीं सकते। और ये कॉफ़ी, और इसकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी इंडिगो वाली की। रांची में क्या क्या चीज़ें हैं फेमस खाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है, तो शायद टाइम फिर भी मैं कोशिश करूँ कि मैं निकालूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं फेमस खाने के लिए। घूमने वाला शायद से ना हो पाए, बट खाने वाली चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर करूँ। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा ट्रैवल वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी थी। सो ये तो मैं आपको टेस्ट नहीं करा सकती, तो आप भी जल्दी से उठिए, फटाफट से एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाइए और कॉफ़ी पीते पीते मेरा वीडियो जो है उसको एंजॉय कीजिए। बाय बाय।